एषा ब्राह्म स्थिति पार्थ नयनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वाम अंत्यकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति मृच्छति। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। ये हिंदी में पढ़ के सुना रहा हूँ। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। एशाम सच इज दिस इज ब्राह्मी स्थिति, ब्रह्म भावना, ब्रह्म चेतना, यूनिटी कॉन्शियसनेस, द एक्सपीरियंस ऑफ वननेस, दैट्स व्हाट ब्रह्म इज द ग्रेटेस्ट। ब्रह्म मीन्स द बिगेस्ट। जैसे गुरु मीन्स बिग, हाउ बिग, वेरी बिग, ब्रह्म मीन्स द बिगेस्ट। हाउ बिग, सो बिग दैट इट एग्जिस्ट एवरीवेयर, देयर इज नो प्लेस विदाउट हिम। इट omniscient, omnipotent, and omnipresent. Brahma means omnipresent, present everywhere at the same time. Agar sab jagah sab samay hai to fir mujh mein bhi hai, right? If it is omnipresent, then why wouldn't it be present in me? Sab jagah agar hai to yahan pe bhi baitha hai aur udhar bhi baitha. Sab samay hai to is samay bhi hai. वो तीन घंटा पीछे है, दो अभिजीत तीन घंटे पीछे है रेणुका, लेकिन समय कुछ भी, टाइम लाइन कुछ भी हो, लेकिन सब समय अगर भगवान है तो इस समय इधर भी है और उधर भी है, और सब में है तो मुझ में भी है, उसमें भी है, उसमें भी है। तो ये हुआ, ये हुई ब्रह्म भावना। मुझ में भी ब्रह्म है, तुम में भी, अर्थात ब्रह्म ही है। इस लहर में पानी है तो उस लहर में भी, और उस लहर में भी, और उस लहर में भी, और हर जब तक समुद्र था, जब से बना जब तक रहेगा, तब से तब तक हर एक लहर में वो समुद्र मात्र ही था ब्रह्म रूप में। जब जब जिसने भी पहला सपना देखा, और जो मरने से पहले जब वो आखिरी आदमी होगा सपना देखेगा, सारे सपनों में जो सपना देखने वाला है वही था स्वप्न पत्रों में। यह है ब्रह्म भावना। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ प्रथा पुत्र धरती पुत्र अर्जुन कुंती पुत्र पृथ्वी राजा ने जिसका दोहन किया था उस ग्रह का नाम पृथ्वी पड़ा। भागवत में कथा आती है पृथ्वी से जो उत्पन्न हुआ उसे पार्थ कहते हैं। तो हम पृथ्वी से उत्पन्न नहीं हुए, पृथ्वी पर ही अभी बैठे हैं। पृथ्वी पर पृथ्वी के पुत्र पृथ्वी को माता कहते हैं, मदर अर्थ, धरती माता। ये हमारे लिए बात कही हुई है। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नयनाम न एनाम प्राप्य विमुह्यति। एक बार अगर ये अनुभव हो जाए, एक बार ये बात अगर पक्की पता खोपड़ी में बैठ जाए, पक्की हो जाए, समझ जाए, तो फिर मोह को प्राप्त होना असंभव है। फिर ये मेरे तेरे की एक ही दुखी की ऐसी वैसी बातें फिर फिसला नहीं पाएगी। इसलिए ये साधना सबसे श्रेष्ठ साधना है, और भगवद गीता श्रेष्ठ सबसे श्रेष्ठ साधना है। एषां ब्राह्म स्थिति पार्थ नयनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्याम, इसमें स्थित होकर, स्थिति वाम अस्याम, इसमें स्थित होकर अंतकाले अपि, अंतिम सांस तक, आखिरी क्षण तक ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। ब्रह्म निर्वाण पद की, ब्रह्म को लेकर बाकी सब छूट जाए, निर्वाण पद। बुद्ध धर्म में निर्वाण पद कहते हैं ना, सब छूट गया बाकी, निर्वाण अंग्रेजी में कहते हैं, निर्वाण को प्राप्त हो गया, बड़ा आनंद हुआ, एक्सटेसी, ब्लिसफुल प्लेस। व्हाई? बिकॉज़ निर्वाण प्राप्त, निर्वाण में विशेष उसमें क्या बड़ा पन, बाकी सब छूट गया, केवल एक्सटेसी रह गई, केवल ब्लिस रह गया, एफर्टलेस जॉय रह गया, बाकी सब छूट गया, नो एफर्ट्स, इसे निर्वाण पद का। लेकिन सब छूट गया उसके बाद प्राप्त हुआ, सब छोड़ना पड़ा, जब तक सब नहीं छोड़ा तब तक ये नहीं प्राप्त हुआ, जब तक बाहर का नहीं छोड़ा तब तक भीतर का नहीं प्राप्त हुआ, जब भीतर का प्राप्त हुआ तो भीतर का बाहर का सब अनुभव प्राप्त हुआ, क्योंकि बाहर का भी अनुभव जो हो रहा है वो भीतर ही हो रहा है, और लड्डू बाहर है, जब तक अंदर नहीं जाए तब तक अनुभव नहीं, आनंद का अनुभव नहीं है भैया। बिल्कुल बड़ी सिंपल सी बात है, समझ ली, कोई भी बाहर का सुख हो, अंदर जब तक ना जाए तब तक असंभव है आनंद की। तो इतनी अच्छी अच्छी सिंपल सिंपल बातें अपना लो ना, पक्का कर लो। लड्डू अगर पेड़े भी बाहर रखे
दही पेड़े रखे, लड्डू रखा, जो भी अच्छा लगता हो, बाहर रखे तो उल्टा हो गया, दुख हुआ, कब तक मिलेगा, कब तक नहीं उसका दुख। अंदर गया तब स्पर्श सुख, रूप जब आंखें खोलकर देखी उसका विचार जब किया, खाली देखते रहे ऐसी बड़ी बड़ी आंखें करके देखते रहे तो उसमें कुछ नहीं हुआ ना। जो लोग देखते जिनका ध्यान नहीं रहता, जो देख रहे उसकी ओर, देख तो एक जगह रहे लेकिन सोच रहे कुछ दूसरा ही, तो उन्हें आनंद नहीं होता। आनंद तभी होता है जब हम जो देख रहे हैं उस पर विचार जब कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, अंदर जब विचार हो रहा है। रस के भी वही व्यवस्था, लोग कहते टीवी देख करके खाना खा रहे, इतना पंच पकवान बनाया कुछ, लेकिन उसका कुछ किसी को ध्यान ही नहीं। आनंद की माइंडफुल ईटिंग अगर ना हो, क्योंकि शो चल रहा है, इधर उधर के देख कर रहे हैं, अगर उसकी ओर ध्यान दे करके उसका रस ग्रहण नहीं कर रहे तो खाने पीने का भी, अन्न का भी स्वाद नहीं हो रहा है ना। सो अनुभव जो है वो अंदर ही होता है, और अंदर अनुभव ऑलरेडी है, उसको बाहर से कुछ डालने की जरूरत नहीं है। बाहर की वस्तु का अनुभव जब होता है तो खाली याद मात्र होती है आनंद के अनुभव की। लड्डू जाके कौन सा मसाला बनाता है, कौन सा और थोड़ा स्टर करके कुछ आनंद को उछालता है, कुछ नहीं करता ना। याद आती है यार आनंद नाम की कोई वस्तु है मेरे में, मैं वही हूँ सच्चिदानंद स्वरूप, ब्राह्मी स्थिति जो है सत्य चित्त आनंद, मैं सत्य हूँ, हमेशा रहता हूँ, इम्पेरिशेबल, एवर एग्जिस्टिंग, क्योंकि मैं आत्मा रूप से आत्मा, आई ऑलवेज वाज, आई एम स्टिल एंड ऑलवेज विल बी, चेतन हूँ, अवेयर हूँ, कॉन्शियस हूँ, समझ सकता हूँ बात को, समझता हूँ, चैतन्य हूँ, पर आनंद स्वरूप हूँ। सो अंदर जाए एफिशिएंसी के लिए, क्लैरिटी के लिए, फियरलेस बनना हो तो भीतर जाए, तो अनुभव तो ऑलरेडी है वहां पर, फिर बाहर से मिले तो बहुत अच्छा है, ना मिले तो भी उतना ही अच्छा है। दैट्स व्हाट आई से, ही एक्सटर्नल स्टिमुलस आर नॉट नीडेड, नो डिपेंडेंसी। सो ये एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नयनम पाप प्राप्त विमोह्यते, फिर मोह को प्राप्त नहीं होगा, फिर ये इच्छा नहीं करेगा कि यार मेरा मेरा ऐसा हो जाए, उनका हो ना हो, ऐसा कुछ लगेगा ही नहीं, मेरा अपना अलग कुछ लगेगा नहीं। इसमें स्थित होकर एंकर्ड ग्राउंडेड इन इट ब्रह्म निर्वाण वच्छति, फिर निर्वाण पद का अनुभव, निर्वाण चेतसा, निर्विण चेतसा, छठे अध्याय में 1/4 श्लोक है, वेरी ब्यूटिफुल तेजस्वी श्लोक, निर्विण चेतसा, सारी की सारी चेतना मात्र, द एंटायर कॉन्शियस बीम इनसाइड, कॉन्शियस ब्रह्म चेतना, द एंटायर अवेयरनेस ऑफ दैट पर्सन देन ऑफ द ध्यान योगी बिकम्स निर्वाण पद को प्राप्त, निर्विण हो जाती, सबसे छुटा हुआ केवल आनंद में स्थित। दैट इज आवर डेस्टिनी, दैट इज मेंट फॉर अस, दैट इज व्हाई वी केम हियर, दैट इज व्हाट वी हैव टू अचीव। और ये क्या,